अप्रैल 2018 में एक मूवी आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। उस मूवी का विलन थैनोस एक ऐसे प्लेनेट पर रहता है जहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म होने वाले होते हैं और वो प्लेनेट खत्म होने वाला होता है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचे हैं ताकि उतने सारे लोग फीड हो सके। थैनोस अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एक आइडिया सजेस्ट करता है कि वहाँ की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जाए ताकि जो आधे बचे हुए लोग हो वो अच्छे से रह सकें और प्लेनेट भी बचा रह सके। अब जैसे आपको ये बेवकूफ़ों वाला आइडिया लगता है वहाँ के भी लोगों को लगा और थैनोस को मना कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। और वही होता है जो उस प्लैनेट के साथ होने वाला होता है, वो प्लैनेट बर्बाद हो जाता है और उस प्लैनेट पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे सारे लोग मारे जाते हैं। थैनोस सोचता है कि जो चीज़ मेरे प्लैनेट के साथ हो वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो निकल जाता है और हर एक प्लैनेट की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है ताकि आधे बचे हुए लोग अच्छे से रह सकें। इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि थैनोस किसी तरीके से पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है ताकि आधे लोग अच्छे से रह सकें। अगर आप एक मार्वल फैन है और साइंस लवर है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको डेली कुछ नई चीज़ें जाननी हैं, कुछ नए फैक्ट्स जानने हैं तो आप द लॉजिकल टॉक को फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर सच में ऐसा हो जाए कि हमारे प्लैनेट की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए, तो क्या आप अच्छे से रह पाएंगे, क्या ये एक अच्छी चीज़ होगी, क्या आपको इससे कोई फ़ायदा होगा या फिर कोई नुकसान होगा, आज हम यही जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सडन इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर अचानक से इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। अब हमारे आसमान में हर टाइम 10,000 प्लेन उड़ते रहते हैं जिसमें करोड़ों लोग होते हैं। उन 10,000 प्लेन में से अगर आधे पायलट भी खत्म हो गए तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, जो उन सारे लोगों की मौत का कारण बनेगा जो उस प्लेन पे होंगे और नीचे होंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्लेन कहां जाके क्रैश होगा। सेकेंड चीज, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होंगे, बड़े बड़े जैम्स लगेंगे, बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, बाढ़ भी आ सकती है क्योंकि डैम्स होंगे, डैम्स पे लोग काम कर रहे होंगे और अगर डैम खोल दिया गया और जिस आदमी ने डैम खोला वो ही गायब हो गया तो डैम को बंद कौन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी कुछ दिनों के लिए क्योंकि उसे बनाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। थोड़े दिन के लिए फूड सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि फूड पैदा करने वाले लोग नहीं बचेंगे। मान लीजिए किसी भी अस्पताल में किसी का इलाज हो रहा है और इलाज करते करते डॉक्टर ही गायब हो जाए तो वो आदमी तो सीधा ऊपर ही चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे सडन इफेक्ट होंगे जो बहुत ही ज्यादा हर्ट करेंगे प्लैनेट को, ह्यूमन को, सोसाइटी को। अब सेकेंड चीज, हमारी सिविलाइजेशन के साथ क्या होगा। अब देखिए, हमारी जो दुनिया चलती है वो बहुत सारे लोगों के कारण ही चलती है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया की जीडीपी को चलाते हैं, मिलिट्री एक देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और ऐसे सारे वर्कर जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल काम करते हैं उनमें से आधे लोग गायब हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले लोग गायब हो जाएंगे, आग को बुझाने वाले लोग गायब हो जाएंगे आधे, कार बनाने वाले लोग आधे गायब हो सकते हैं, मिलिट्री आधी गायब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। मान लीजिए ये सारी चीज़ें हम सह लेते हैं, ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, अब आगे क्या, क्या अब ये कोई अच्छी चीज़ साबित होगी? जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ साबित होगी। अब जैसे दुनिया में आधे लोग बचे हैं और खाना उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना पहले हो रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। हर साल 36 करोड़ लोग भूख के कारण मरते हैं, अब वो लोग नहीं मरेंगे क्योंकि पेट कम है भरने के लिए और खाना ज़्यादा है। जैसे ही जैसे लोग कम होंगे क्योंकि आधे लोग कम ही हो चुके हैं तो पॉल्यूशन भी कम होगा, अर्थ अपने आप को हील करने लगेगी, क्लाइमेट एकदम सही हो जाएगा और पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन हो नहीं रहा क्योंकि लोग आधे हैं, एनवायरमेंट बहुत साफ हो जाएगा, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ के वो सारे लोग गायब हो चुके हैं जिनको कार रिपेयर करनी आती थी, तो पूरे शहर में सिर्फ आप हैं जिनको कार रिपेयर करनी आती है, तो आपकी स्किल के कारण आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। सेकंड चीज़, आपको घर में रहने के लिए ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आधे लोग तो जा चुके हैं तो उनका घर फ्री है आपके रहने के लिए, तो आपको बहुत कम किराया देना पड़ेगा, आप बहुत अमीर हो जाएंगे आपकी स्किल के कारण क्योंकि ज़्यादा लोग उस स्किल के लिए बचे नहीं हैं। हो सकता है आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप बड़े बड़े लीडर्स बन सकते हैं क्योंकि अब कोई बचा नहीं है, आधे खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होंगे। अब हम बुरी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि आपके साथ क्या क्या बुरी चीज़ हो सकती हैं इस सडन एक्सटिंक्शन के कारण। आपके आधे दोस्त खत्म हो जाएंगे, हो सकता है आपका पूरा परिवार खत्म हो जाए,
हो सकता है आपके सारे दोस्त ख़त्म हो जाएं, आप जब आपका परिवार ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है आप अकेले रह जाएं, तो ऐसे जीने का फ़ायदा क्या। जिस जगह आप काम कर रहे होंगे वो जगह के सारे लोग लीडर्स ही ख़त्म हो जाएं, तो वो जगह किसी काम की नहीं रहेगी, वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, और ऐसी बहुत सारी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर हम लास्टली देखें, सोचें, अगर ऐसे ही रेट से हम अपने रिसोर्सेस को बर्बाद करते रहें और अच्छे से यूज़ ना करें, तो ये हमारे प्लैनेट के साथ भी हो सकता है कि हमारा प्लैनेट आउट ऑफ रिसोर्स हो जाए और एक्सटेंट हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेस तो उतने ही हैं जितना उनको होना चाहिए और वो बढ़ते नहीं हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे बचाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ पे 14 बिलियन लोग रह सकते हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन का डबल, और प्लैनेट अच्छे से चल सकता है बिना किसी पोल्यूशन के। पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब फाइनली अगर मैं बता दूं कि क्या होगा अगर इस प्लैनेट के आधे लोग ख़त्म हो जाएं, तो ये एक तरीके से अच्छा ही होगा अगर हम इमोशनली ना देखें, लॉजिकली देखें, तो ये सही होगा अगर इंसान कुछ सालों में उस चीज़ को अडॉप्ट कर ले। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और इससे कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको डेली फैक्ट्स जानने हैं तो आप मुझे द लॉजिकल टॉक के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।